नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पेंशनर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। दोस्तों खुशखबरी, 10 साल से कम सेवा वाले सेना के जवानों को भी मिलेगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और राहत वाली खबर यहाँ पर, जैसे कि आप पर देख सकते हैं, ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से 15 जुलाई 2020 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति है। और इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने सेना के उन जवानों को भी पेंशन देने की अनुमति दे दी है जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले जवान पेंशन के पात्र नहीं होते हैं, यानी पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करना जरूरी है। लेकिन कुछ ऐसे जवान जो कि शारीरिक रूप से या फिर मानसिक विकलांगता की वजह से अपनी नौकरी जारी नहीं कर पाए रख पाए थे और वो 10 साल से पहले ही मिलिट्री सेवा से रिटायर्ड हो चुके थे मेडिकल ग्राउंड्स पर, अब उन जवानों को भी सेना की तरफ से यानी कि सरकार की तरफ से इनवैलिड पेंशन दी जाएगी। तो इसके संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की गई है और कहा गया है कि इस आदेश के अनुसार ऐसे जवान जो कि 4 जनवरी 2019 या फिर उसके बाद में सेवा में हैं और वो जवान 10 साल से पहले ही मेडिकल ग्राउंड्स पर मिलिट्री सेवा से रिटायर्ड हो जाते हैं, उन जवानों को भी अब इनवैलिड पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और राहत वाली खबर हमारे भारतीय सेना के उन सभी जवानों के लिए जो कि 10 साल से कम की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करने से पहले ही मेडिकल ग्राउंड्स पर यानी कि नाना केसेस इनको बोलते हैं, मेडिकल ग्राउंड्स पर सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं, उन जवानों को अब यहाँ पर इनवैलिड पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। धन्यवाद।